हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन सुधा मौर्य एंड यू आर वाचिंग सुधा डाइटली डे। सो आज मैं आप लोगों की जो शुगर की क्रेविंग है उसकी कुछ अल्टरनेटिव्स लेकर आई हूँ, जिससे आप लोग की जो शुगर क्रेविंग है उसे आप लोग को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल ना करना पड़े और आप लोग की जो शुगर क्रेविंग है उसको आप लोग इंजॉय कर सके। बट उसको भी एक बेस्ट वे में आपको इंजॉय करना है, क्योंकि आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा शुगर लेंगे तो आप लोग को उतनी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, आपका वेट गेन होगा और भी अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे आप लोग को सफर करना पड़ सकता है। और डायबिटीज पेशेंट्स को भी शुगर क्रेविंग तो होती ही है, बट आप लोगों के लिए आज मैं कुछ अल्टरनेटिव्स लेकर आई हूं जिससे आप लोग अपनी शुगर क्रेविंग्स को मार नहीं सकते हैं, बट हाँ उसे कंट्रोल में रख सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रख सकते हैं। सो जो शुगर होती है हमारे वेट को इंक्रीज करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए जब भी आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग के शुगर को ही कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि जो शुगर होती है उसमें बहुत ही ज्यादा कैलोरीज होती है और जब हम लोग वेट लॉस करते हैं तो हम लोग किलो कैलोरी डाइट लेते हैं। बट हाँ, बिल्कुल भी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बिल्कुल भी कैलोरीज नहीं लेंगे तो हमारे हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए हम लोगों को लो कैलोरी डाइट लेनी है बट बिल्कुल भी कैलोरीज को बंद नहीं करना है। जो शुगर होती है वो हमारे कैलोरीज को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देती है, इसलिए हम लोग को शुगर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड वे में लेना चाहिए, क्योंकि शुगर लेने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी साथ में इंक्रीज हो जाता है और काफी लोग डायबिटीज से सफर करते हैं इसलिए भी वो लोग शुगर को नहीं ले पाते हैं। शुगर के बहुत सारे रीजंस होते हैं, अगर बच्चे शुगर ज्यादा लेते हैं तो उनको कैविटी की प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखी जाती है, वेट गेन की प्रॉब्लम देखी जाती है। सो आज मैं आप लोग के पास में कुछ शुगर के अल्टरनेटिव्स लेकर आई हूं जिससे आप लोग अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो जो शुगर के अल्टरनेटिव्स हैं और शुगर क्या है, कैसे है, कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कितनी कैलोरीज होती है और साथ में उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं। सो डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम लोग इसके बारे में। शुगर जो होता है हमारी डाइट में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जो कार्ब्स के फॉर्म में रहता है, जैसे ग्रेन्स में, फ्रूट्स में, मिल्क में एंड वेजिटेबल्स में, सभी में ही शुगर किसी ना किसी फॉर्म में अवेलेबल होता है। कोई हमें किसी शुगर के बारे में पता होता है, किसी के बारे में नहीं पता होता है। अब हम लोग बात करते हैं जो शुगर और कार्ब्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो जो शुगर होता है तो सिंगल मॉलिक्यूल होता है जो कि क्विक डाइजेस्ट हो जाता है, वो होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। जो ग्लूकोज होता है वो बेसिक शुगर होता है और जो फ्रक्टोज होता है वो बेसिक फ्रूट शुगर होता है, जिसमें कि फाइबर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हमारे वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और जो गैलेक्टोज होता है उसमें लैक्टोज शुगर होता है। ये जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है ये हमारे वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये क्विकली डाइजेस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं टू मॉलिक्यूल की, जिसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज होता है। जो सुक्रोज होता है वो वाइट शुगर होता है और जो माल्टोज होता है वो माल्ट शुगर होता है। और जो काफ़ी ज़्यादा इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माल्टोडेक्सट्रिन है और स्टार्च है, जिसको कि डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और साथ ही वो वेट गेन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपके। अब बात कर, जो शुगर होता है वो काफ़ी सारे हेल्दी फूड्स में भी रहता है, इसलिए हमें उन्हें काफ़ी केयरफुली लेना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल जूसेस हो गए, प्रोटीन पाउडर हो गया, हेल्थ ड्रिंक्स हो गए या चौमप्रास हो गया, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गए, एनर्जी बार्स हो गए, एनर्जी या प्रोटीन बार्स जो होते हैं, जिसमें कि हमें लगता है कि उसमें शुगर नहीं होता बट उनमें इनहेरेंट शुगर होता है, जो कि हमारे वेट गेन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उन्हें काफ़ी सोच समझ के हमें डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो ये तो बात रही शुगर किन किन में होता है, कैसे होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा कम शुगर वाली डाइट लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा लो कार्ब्स वाली डाइट लेते हैं, तो उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी पे, तो वो जान लेते हैं। अगर आप बहुत ही कम शुगर लेंगे तो आपको काफी ज्यादा थकावट महसूस होगी, वीकनेस महसूस होगी और आप लोग को अपने हेड जो होगा उसमें काफ़ी फजी फजी सा फील होगा और आपको क्रेविंग्स बहुत जल्दी होंगी, मसल्स में भी एक रहेगा, मेमोरी लॉस रहेगा और आपके जो हैप्पी हॉर्मोन्स होंगे वो भी डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, आप लोग डिप्रेशन की तरफ जाने लगेंगे, आपकी जो स्लीप होगी वो भी पुअर होगी और आप लोग को इरिटेशन होगी। इसलिए खास तौर पर अपनी शुगर को कंट्रोल में रखिए, बट इतना भी कंट्रोल में नहीं रखना है कि आप लोग को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगे। आप लोग को जो अब शुगर लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लोग को पूरे दिन में जो शुगर लेना है वो 1 टीस्पून टू 1 टेबल स्पून नेचुरल शुगर लेना है और जो शुगर से कैलोरीज होती है मेन को 120 कैलोरीज और वुमेन को 80 कैलोरीज तक ही लेना है। मैंने यहाँ पर एक आप लोग को चार्ट दिया है जिसमें कि न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं, जो कि आप लोग को कोकोनट सिरप और मैपल सिरप, रिफाइंड शुगर और हनी का है, जो आप लोग देख सकते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग टॉप 5 नेचुरल शुगर जो कि हमारे वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, जिससे कि आप लोग अपनी जो शुगर की क्रेविंग्स हैं उनको भी दूर कर सकते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा सबसे पहला शुगर है वो है क्रेविंग को दूर करने के लिए, वो है डेट्स, रेजिन एंड एप्रिकॉट, ड्राई फ्रूट्स एंड प्यूरीज। तो जो डेट्स होते हैं वो फाइबर में हाई होते हैं, उनमें पोटेशियम होता है, साथ में उसमें विटामिन्स मिनरल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट में होते हैं, एक अच्छा स्वीटनर का काम करता है, साथ में इसके जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और इनमें जो कैलोरीज होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा।
नहीं होती हैं, और साथ ही में जो रेजिन एप्रिकॉट फिक्स होते हैं इससे जो हमारी शुगर की जो क्रेविंग होती है काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाती है। वो फ्रूट प्यूरीज लाइक बनाना, एप्पल, पीचेस जो होते हैं, इनकी जो प्यूरीज बनाते हैं वो भी हमारे जो शुगर की क्रेविंग्स होती है उसको भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं। तो जो नेक्स्ट नंबर है वो है जैगरी। जैगरी जो होता है उसकी मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, और इसमें आयरन जो होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट में होता है, साथ में हमारे ब्लड को ही प्यूरीफाई करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, साथ ही में ये नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अच्छा रखता है, और साथ में हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा वार्म रखता है। इसलिए आप लोग इसे विंटर्स में ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। विंटर्स में मिल्क के साथ में आप लोग जैगरी ले सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। और अब बात करते हम लोग थर्ड कोकोनट शुगर की। जो कोकोनट शुगर होता है वो बेसिकली जो कोकोनट पाम होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके भी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है हनी। जो हनी होती है उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट में होते हैं। बस आप लोग को ध्यान ये रखना है कि आप लोग मार्केट के हनी को नेचुरल हनी से बिल्कुल भी कंपेयर मत करिए, क्योंकि जो मार्केट का हनी होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा अडल्ट्रेंट्स का यूज़ किया जाता है, अडल्ट्रेटिव्स का यूज़ किया जाता है, इसलिए वो हमें फ़ायदा नहीं करते। उल्टा वो जो होते हैं वो शुगर से बने होते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग नेचुरल शुगर, नेचुरल हनी को ही इंटेक कीजिए। अगर आप लोगों को कहीं अवेलेबल होता है तो अपनी डाइट में नेचुरल हनी को ज़रूर से इंक्रीज़ कीजिए, क्योंकि जो नेचुरल हनी होता है वो हमारे वेट को भी लूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सो जो अब लास्ट है वो है स्टीविया, जो कि 100% नेचुरल होता है। इसमें ज़ीरो कैलोरीज होती हैं, साथ में इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, और ये जो होता है ब्लड शुगर को लो करता है, साथ ही में ब्लड प्रेशर को भी लो करता है, इसलिए इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सो मैंने यहाँ आप लोग के साथ डिस्कस किया कि कौन कौन से नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आप लोग, जिससे आप लोग अपने शुगर की जो क्रेविंग्स होती है उसको आप लोग कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नेचुरल शुगर के प्रोडक्ट्स को भी अपनी पिक्चर में दिखा रखा है, जिसको आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग इनका भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो कि केक में और कोक्स में, टूथपेस्ट में, कैंडीज़ में और लो शुगर फूड्स में, च्युइंगम्स में, डाइट जूसेस में, ब्रेकफास्ट सीरियल्स में, अल्कोहल में और बेक्ड गुड्स में रहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि ये उसमें मेंशन नहीं होता कि इसमें शुगर है। बट अगर आप लोग उसको बैक साइड पर देखते हैं तो उसमें भी देखिएगा कि आप लोग को शुगर कंटेंट लिखा रहेगा कि इसमें कितना शुगर है। इसलिए प्लीज इसे बहुत ही सोच समझकर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। होप आप लोगों को शुगर के बारे में काफी ज्यादा सारी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो के थ्रू में, और उसके क्या अल्टरनेटिव्स हैं वो भी आप लोग को पता चले होंगे। और सो प्लीज आप लोग जो आप लोग को खाने के बाद में या ब्रेकफास्ट के बाद में, लंच के बाद में, डिनर के बाद में जो भी आप लोग को स्वीट्स की क्रेविंग होती है प्लीज उसको स्टॉप कीजिए, और उसको मिठाई की जगह पर आप लोग जैगरी ले सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं, आप लोग उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में क्या मैजिक होता है। अपनी लाइफ में जिस तरह से आप लोग मैजिक का वेट करते हैं, तो वो मैजिक आप खुद अपनी लाइफ में कर सकते हैं अपनी डाइट को चेंज करके, क्योंकि आप लोगों अगर फिट रहेंगे तभी आप लोगों की पूरी जनरेशन फिट रहेगी। अगर आप फिट रहेंगे तो आप बाकी लोग देख करके भी आपको फिट रह सकते हैं। बाकी जैसे काफी लोग की करते हैं कि अरे मेरा टमी निकला हुआ है या मैं फिट नहीं हूं तो मैं लूज कपड़े पहनती हूं क्योंकि टमी में शेप दिखने लगता है। बट मैं तो आपसे कहूंगी अगर आप लोग का टमी निकला तो प्लीज जरूर से फिटिंग के कपड़े पहनिए, ताकि आप लोगों को खुद से मिरर में देखने के बाद में आप लोग को रियलाइज हो कि आपकी बॉडी कहाँ जा रही है, कहाँ कैसे हो रही है, और दूसरों को भी देखकर भी आप लोग कुछ मोटिवेट होइए कि देखिए दूसरों की बॉडी कैसी, कितने फिट एंड फाइन है। सो अपनी कमी को छुपाइए नहीं, अपनी कमी को एक्सेप्ट कीजिए और उस चीज को मेंटेन में रखिए। सो अगर आप लोग कोई भी डाइट प्लान चाहते हैं, अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखना चाहते हैं, तो मेरे फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है सुधा डाइट क्लिनिक का। सो आप लोग उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं, उससे डाइट प्लान ले सकते हैं। अपने आपको फिट एंड हेल्दी रखने के लिए आप मेरे ट्रांसफॉर्मेशंस को भी देख सकते हैं फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। मेरे काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कि मैंने सिर्फ घर के खाने से ही किए हैं, और होम रेमेडीज से ही कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल किया है, फैटी लीवर को कंट्रोल किया है, बहुत सारे डिजीज है जिसको मैंने अपनी सिर्फ होम रेमेडीज से ही कंट्रोल किया है। सो आप लोग भी मेरे इस प्रोग्राम में जरूर से एनरोल होइए, और देखिए आपकी लाइफ में क्या मैजिक होता है, क्या ड्रास्टिक चेंज आता है। सो एक बार एनरोल होइए और अपनी लाइफ में मैजिक को देखिए। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में जरूर से शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में। सो फिट रहिए, हेल्दी रहिए, और दूसरों को हेल्दी रखिए। थैंक यू, बाय बाय।